नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जो आपको आगे चलकर एक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है, और ऐसे शेयर जो कि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही चीप वैल्यू पे आपको मिल रहा है। मात्र ये आपको 5 रुपीज़ से भी कम प्राइस पे, मतलब 4 से 5 रुपीज़ के रेंज में मिल रहा है। तो ये शेयर क्या आगे चल के मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है, तो इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। अब जैसे हम बात करते हैं किसी भी पैनी शेयर का, 2 रुपये 5 रुपये के शेयर का, कि ये आगे चलकर के मल्टीबैगर रिटर्न देगा, तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आते होंगे कि ऐसे शेयर क्या आगे चलकर मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों बता दें कि कभी टाइटन का शेयर भी मात्र 3 रुपये का हुआ करता था, और यही टाइटन जो है राकेश झुनझुनवाला जी ने खरीदा था 3 रुपये में, और अभी आप टाइटन का शेयर देखेंगे तो वो 1400 के आसपास जा चुका है। ये देख सकते हैं टाइटन का शेयर मैंने यहाँ ओपन किया है, देख सकते हैं 1389 रुपीज़ तक ये 52 वीक हाई यहाँ तक बना चुका है। यहाँ पे भी चार्ट में भी देख सकते हैं आप, तो ये शेयर देख लीजिए यहाँ पर आप चार्ट में, ये 3 रुपये का हुआ करता था, देख लीजिए 2002 मतलब अभी 18 साल में ये कितना परसेंट का रिटर्न दिया, ये आप देख सकते हैं कि मात्र ये 3 रुपये का शेयर था और अभी आप देख लीजिए कितना का ये रिटर्न दिया, देख सकते हैं 33,000% का। यहाँ पर देख सकते हैं कितना का रिटर्न दिया है, 33,000% का रिटर्न दिया है टाइटन के 2002 से लेकर के अभी तक में। तो समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा रिटर्न आपको मिल सकता है शेयर मार्केट में। लेकिन ऐसे स्टॉक्स आपको बहुत ही रिसर्च के बाद खोजना पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक्स ऐसा है जो आगे चल करके एक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। इसके लिए आपको कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी के मैनेजमेंट को चेक करना पड़ेगा, और उस बिजनेस के ग्रोथ को चेक करना पड़ेगा कि आगे उस बिजनेस में कितना ग्रोथ है। तो इसलिए आप बिजनेस के ग्रोथ को देखिए कि उस बिजनेस में ग्रोथ है क्या, तब जाकर के आप उस कंपनी के फंडामेंटल्स, मैनेजमेंट सारे को एनालाइज करिए। अगर सारी चीज़ स्ट्रॉन्ग है तो वो कंपनी के फिर स्टॉक्स जो है अंडर वैल्यूड क्यों है, क्योंकि अभी उसका बिजनेस परफॉर्म नहीं कर रहा है। और दूसरा रीजन होता है कि कंपनी परफॉर्म नहीं कर रहा है क्योंकि कंपनी के ऊपर डेप्ट होगा, लेकिन डेप्ट कम होना चाहिए और डेप्ट जो है ईयर बाई ईयर थोड़ा कम हो रहा हो, ताकि फंडामेंटल्स जो है उस शेयर का मजबूत हो रहा हो। जैसे फंडामेंटल्स मजबूत हो गया, जैसे ही बिजनेस परफॉर्म करेगा, रेवेन्यू इंक्रीज होगा कंपनी का, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, उस कंपनी का जो स्टॉक्स है धीरे धीरे आपको मूव करता हुआ, अप मूव करता हुआ देखने मिलेगा। इस तरह से आप जो है किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स, उसके मैनेजमेंट, उसके बिजनेस के ग्रोथ को ज़रूर चेक करें, उसके बाद आप उस बिजनेस में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना मतलब स्टॉक में इन्वेस्ट करना मतलब किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना। तो वैसे बिजनेस जिसमें आगे ग्रोथ है और जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो वैसे कंपनी के स्टॉक में आप इन्वेस्ट करें जिसको आप मतलब जिस बिजनेस को आप पसंद करते हैं। तो वैसे ही हम एक आज लेकर आए हैं ट्रीडेंट लिमिटेड, देख सकते हैं ट्रीडेंट लिमिटेड मात्र 4.95 रुपये का स्टॉक्स है। अब हम इस पैनी स्टॉक्स की क्यों बात कर रहे हैं कि ये आपको आगे चल करके एक अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। देख सकते हैं पहले भी ये देख सकते हैं 0.70 पैसे का शेयर, 70 पैसा का शेयर आप यहां से देख सकते हैं, ये गया है ऊपर कहां तक, देखते हैं 10 रुपीज़ तक, मतलब 1300% का रिटर्न ये दे चुका है कई बार। देख सकते हैं 2013 से 2017 के बीच फिर से ये स्टॉक नीचे आया है। तो कैसे हम कहें कि ये स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो पहले तो मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, बिजनेस का आगे ग्रोथ की संभावना हो चाहिए, और ये स्टॉक्स लगातार डिविडेंड पे करती है। यहाँ पर देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड कितना है, डिविडेंड यील्ड 8.480%। बहुत सारी अच्छे अच्छे कंपनियाँ जो बहुत अच्छे अर्निंग करती है, प्रॉफिट करती है, मतलब जो ब्लू चिप कंपनी है वो इतना का डिविडेंड नहीं दे पाती है, लेकिन ये कंपनी आप देख सकते हैं कि डिविडेंड यील्ड कितना शानदार है, 8.48%, मतलब 100 रुपया आप लगाते हैं तो ये सालाना आपको 8 रुपया रिटर्न के रूप में देगा, डिविडेंड के रूप में। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं 12x8 कर दीजिए, 12 इयर्स अगर होल्ड करते हैं इस स्टॉक का, आपका प्राइस ऐसे ही रिकवर हो जाएगा जो प्रिंसिपल अमाउंट है। और जैसे कंपनी में अभी गिरावट आती है तो आप इन्वेस्ट करते हैं, ऊपर जाता है तो हाई पर सेल कर देते हैं कुछ अमाउंट, तो कुछ अमाउंट प्रॉफिट उससे मिल गया, कुछ को होल्ड करेंगे डिविडेंड के रूप में आपका रुपया रिकवर हो जाएगा, और जो भी स्टॉक बचेगा उसको लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके बिजनेस की बात करते हैं। आपने देख लिया कि टाइटन में राकेश झुनझुनवाला जी एक
पैनी स्टॉक से ही वो कई 33,000% का रिटर्न प्राप्त कर चुके हैं। तो हम इस ट्रेडेंट में आपको इन्वेस्ट करने नहीं बोल रहे हैं, आप अपना रिसर्च कर सकते हैं, इसका जो एनालिसिस कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए NSE के वेबसाइट पर हम आ चुके हैं, यहाँ पर हमने ट्रेडेंट को सर्च किया है। नीचे चलते हैं, देखिए आज का जो ट्रेड हुआ है, देख सकते हैं टोटल क्वांटिटी जो ट्रेड हुआ है वो है 37,55,240 क्वांटिटी, जिसमें से डिलीवर हुआ है 25,48,387 क्वांटिटी डिलीवर हुआ है। तो देख सकते हैं डिलीवरी परसेंट कितना हाई है, 67.86% ये डिलीवरी है आज का। तो देख सकते हैं आज जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुआ उसमें से 67.86% जो है क्वांटिटी वो डिलीवर हुआ है। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ज़बरदस्त है। प्रमोटर्स के पास देख सकते हैं कंपनी का 71% स्टेक है, जो कि बहुत ही मतलब जो एक क्रिटेरिया होना चाहिए उससे ज़्यादा है। जो 50% 60% होल्डिंग होता है प्रमोटर्स का, हम उसे बेहतर मानते हैं, तो यहाँ तो 71% है और पब्लिक के पास रेस्ट जो अमाउंट है वो है। उसके बाद हम यहाँ पर प्लेस्ड अमाउंट की बात करते हैं कि प्रमोटर्स का कितना शेयर प्लेस्ड है, तो कोई भी शेयर प्लेस्ड नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से तो हो गया कि शेयर के रूप से कोई भी प्लेस्ड शेयर नहीं है, तो इतना सस्ता स्टॉक्स क्यों मिल रहा है, ये स्टॉक्स आपको इतना सस्ता क्यों मिल रहा है, आप भी सवाल करेंगे जब ये डिविडेंड भी पे करती है। ध्यान देख सकते हैं ये जो स्टॉक्स है, देख सकते हैं 18 पैसा का डिविडेंड, 90 पैसा का डिविडेंड, 90 पैसा का डिविडेंड देख सकते हैं, 60 पैसा का डिविडेंड। अगर आपको 90 पैसा का डिविडेंड पे करे कोई कंपनी 5 रुपया में मिले, तो वो 5 टाइम्स कर दीजिए इसका, मतलब 5 से 6 बार डिविडेंड पे किया आपका रुपया रिकवर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लॉजिक है, यहाँ पर लॉजिक क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं पहले इसका फेस वैल्यू 10 था, अब फेस वैल्यू 1 हो गया, मतलब 10 टाइम्स कम हो गया, 10 टाइम्स कम हो गया, तो डिविडेंड भी 5 टाइम्स कम हो गया है। पहले ये शेयर 10 रुपया फेस वैल्यू का था, तो आप जो देख रहे हैं प्राइस 5 है, वो प्राइस 5 रुपीज़ नहीं था शेयर का, 50 रुपीज़ था। ये स्प्लिट होने के कारण, फेस वैल्यू के स्प्लिट के कारण आपको शेयर इतना सस्ता मिल रहा है, क्योंकि शेयर स्प्लिट किया गया है। तो आप लॉजिक समझ गए होंगे कि ये शेयर पैनी स्टॉक्स नहीं है, बल्कि ये 60 रुपीज़ का शेयर था, 50 रुपीज़ का शेयर था, जिसे स्प्लिट किया गया है। और इस गिरावट वाले मार्केट में ये इतना सस्ता मिल रहा है आपको, जैसे गिरावट खत्म होती है तो ये स्टॉक्स भी आपको सस्ते दामों पर नहीं मिल सकता है। अब हम प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, चलिए ट्रेडेंट के प्रोडक्ट को, कि ट्रेडेंट किस तरह के प्रोडक्ट को बनाता है। अब देख लीजिए ट्रेडेंट इज फोकस्ड ऑन कंटिन्यूअस इनोवेशन। ट्रेडेंट क्या करता है, कंटिन्यूअस इनोवेशन पे फोकस करता है, मतलब नए नए जो आपका है, नया नया ये इनोवेशन करता है, मतलब नया नया खोज करता है, किसमें, प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर में, फाइबर यूज में, फाइबर का यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है उसमें नया नया इनोवेशन करता है। समझ सकते हैं कितना बेहतरीन कंपनी है। यार्न प्रोडक्शन, यार्न मतलब जो ऊन, जो हम सर्दी के कपड़ा बनाते हैं ना, देख सकते हैं यहाँ कंबल है, तो इसके निर्माण में जो हमारा यार्न यूज होता है उसका प्रोडक्शन करता है, उसका प्रोसेसिंग करता है। देख सकते हैं स्पेशल फाइबर्स लाइक बम्बू, देख सकते हैं यूकेलिप्टस, देख सकते हैं सोया मिल्क, बहुत सारे बिजनेस है इसके, बहुत सारे बिजनेस, सोया मिल्क देख सकते हैं, यार्न प्रोडक्शन प्रोसेसिंग, फाइबर, तो देख सकते हैं इस तरह के बहुत सारे इसके काम है, मतलब 3-4 तरह के बिजनेस है। अगर एक बिजनेस जैसे ये हमारा कंबल का बिजनेस हो गया, सर्दी के मौसम में ही चलेगा, तो तब तक कंपनी क्या करेगा, तो इसका दूसरा बिजनेस भी है, तो कई सारे बिजनेसेस है जो कि आगे अच्छे ग्रोथ की संभावना है इस बिजनेस में। जो हमारा देख सकते हैं मिल्क का बिजनेस है, सोया बिजनेस है, और ये बम्बू यूकेलिप्टस है, तो यार्न ये तो मौसम बिजनेस हो गया, यार्न प्रोडक्शन ये तो इसका डिपेंड करेगा कि जो सर्दी का मौसम है उसी में ज़्यादा सेलिंग होगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कंपनी के पास कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है, नए नए इनोवेशन भी करती है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। जो ओनली डिफेक्ट है जिसके कारण इसका प्राइस आपको कम प्राइस पे देखने मिल रहा है, वो डिफेक्ट आपको अब लेकर के हम आए हैं दिखाने के लिए। तो आ जाते हैं हम नीचे, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका डिफेक्ट है वो है टोटल डेप्थ ऑफ कंपनी।
कंपनी के पास 2000 करोड़ का डेब्ट है। अगर ये ख़त्म हो जाता है तो फिर कंपनी का शेयर एक रॉकेट बन जाएगा। तो ओनली ये जो डेब्ट है कंपनी के पास, यही एक कंपनी के पास डिफेक्ट है जिसके कारण कंपनी का शेयर आपको बहुत ही कम प्राइस पे दिख रहा है। और दूसरी बात, कंपनी के पास रिजर्व देखिएगा तो रिजर्व की कोई कमी नहीं है। कंपनी के पास देख सकते हैं बहुत सारे रिजर्व हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल देख सकते हैं लगातार कांस्टेंट रहा है बहुत दिनों से। और उसके बाद आप लायबिलिटीज़ देख सकते हैं, 5000 करोड़ का कंपनी के पास लायबिलिटी भी है। और चलते हैं नीचे, कैश एंड बैंक बैलेंस देख लीजिए। कैश एंड बैंक बैलेंस कंपनी के पास बहुत ही कम है, तो बैंक बैलेंस की कमी है कंपनी के पास, लेकिन जो रिजर्व है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से टोटल एसेट भी देख सकते हैं कंपनी के पास। बुक वैल्यू देख सकते हैं, कंपनी का बुक वैल्यू लगातार बढ़ा है, देख सकते हैं। मात्र ये बीच वाला जो ये साल है मतलब 18 का, उसमें कम हुआ था कंपनी का, नहीं तो बुक वैल्यू लगातार इंक्रीज हुआ है। बुक वैल्यू क्या होता है, टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज़। तो कंपनी का बुक वैल्यू भी लगातार इंक्रीज हुआ है। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि ये स्टॉक्स जो कि मात्र आपको मिल रहा है कितने रुपये में, 5 रुपीज़ में, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है। लेकिन आप अपना रिसर्च ज़रूर करें इसे बाय करने से पहले, और प्राइस में थोड़ा करेक्शन आता है तब बाय करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब देखिए यहाँ पर टिकर टेप के वेबसाइट पर आए हैं, यहाँ पर इसके बारे में सफिशिएंट डाटा नहीं है, मतलब ये वेबसाइट ऐसा बता रहा है। और जो रिटर्न है एफडी से अच्छा जनरेट नहीं किया है, ऑफर गुड डिविडेंड रिटर्न्स। तो देख सकते हैं कि गुड डिविडेंड रिटर्न्स ये कंपनी देता है, मतलब डिविडेंड के रूप में बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और ओवरबॉट जोन में नहीं है, तो इसलिए अच्छा टाइम है कंसिडर करने का। उसके बाद हाई डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी है, मतलब कंपनी के बारे में स्टेबल रिटर्न आपको मिलेगा, मतलब कंपनी में ग्रोथ मिलेगा या नहीं मिलेगा वो पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। मतलब कंपनी के बारे में एकदम श्योर नहीं है, जिस तरह से हम लार्ज कैप कंपनियों के बारे में, ब्लू चिप कंपनियों के बारे में श्योर होते हैं कि वो हमें लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देगा। तो यहाँ से चार्ट देख सकते हैं, 5 ईयर्स में 100% का रिटर्न दिया है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। और मैक्सिमम ईयर में देख सकते हैं 1300% का रिटर्न दिया है, तो कंपनी बहुत अच्छा है। और सारे पैरामीटर्स देख लेते हैं, तो और सारे पैरामीटर्स में देख सकते हैं कि पी रेशियो मात्र 6 का है जबकि सेक्टर का 33 है, बहुत ही चिप वैल्यू पे मिल रहा है। मतलब 1 रुपया अर्निंग करने के लिए मात्र आपको 6 रुपया लगाना पड़ेगा। उसके बाद पीवी रेशियो देख सकते हैं बहुत ही कम है, और सेक्टर का पीवी रेशियो देख सकते हैं बहुत ही हाई है। लेकिन इसका हाई क्या है, डिविडेंड यील्ड बहुत ही शानदार डिविडेंड प्रोवाइड करता है कंपनी, और सेक्टर का डिविडेंड देख सकते हैं बहुत ही कम है। और देख सकते हैं 75% यूजर्स कह रहा है कि इस कंपनी को शेयर को बाय करना चाहिए। तो अब आपका निर्णय है, आपको अपना रिसर्च करना है, अपना एनालिसिस करना है, फिर बाय करना है, और किस लेवल पे बाय करना है ये भी आपको पता होना चाहिए कि जैसे करेक्शन होता है तब बाय करें। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।